कमेटी बन गए है ना, कमेटी बन गई, G20 करा के मोदी जी का पीएम G20 कार्यक्रम करा करके केंद्र सरकार का फिर क्या हो गया जनता को क्या फायदा होगा, लोगों को बुला के इतना खर्चा कर दो, देश का प्रकृति बर्बाद हो गया, देश के आम आम जनता को क्या फायदा होगा, फोन करने से सरल होगा। इंडिया और भारत का अभी भारत भारत इंडिया इंडिया भारत तो हम लोग वही है बापू बाबा का इना प्रधान बाबा का दोनों लगाव में जो नहीं जाता है तो उसका यात्रा सफल नहीं है। बाबा बैजूनाथ और बासुकीनाथ दोनों जगह जो देवता हम लोग हिंदुओं के जो देवता हैं सब लोग माता सपत्नी और मित्रों के साथ माता थे। बहुत दिन के बाद हम आए, क्या कामना किए सर? कामना क्या थी आप लोगों से दूर सर सर अपनी बारे में जी और दर्शन हुआ और पटना वापस और देवी देवताओं का दर्शन बाकी है, जाएंगे उसके बाद से युद्ध मैदान में हम लोग खुद जाएंगे और इंडिया जो संगठन बनाया है हम लोगों ने 28 पार्टी के लोगों ने उसके काम को शुरू कर उम्मीदवार बनाने का काम चयन करने का काम शुरू किया जाए। जो समिति बनी है उसकी बैठक दिल्ली में है, बीजेपी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव और लोग जो दूसरे पार्टी के हैं तो जा रहे हैं भारत मीटिंग। उसके बाद बिहार के इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं देश का हालत ठीक है, आप सब लोगों को मालूम गंदगी गंदगी है, महंगाई बेरोजगारी हिसाब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं और जब चुनाव नजदीक आया तो नरेंद्र मोदी लोगों को फिर छलने का काम शुरू किया है जो हम गैस पर से जो थोड़े कम कर या फिर घर तक है कम कर दिया है, देश का संपत्ति है देश की प्रपत्ति है, चाहे राशन हो या किराशन हो सब है देश की जनता का जो धन है पैसा है कमा कर रहे हैं देश की जनता वोट हो रहा है और उनका जाना तय बिल्कुल तय और हम लोग देश के जोगदारों को गरीबों को भारत के संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर को
विचार हो, पर्यावरण से हो, आज हम लोग नहीं आने, संविधान खत्म करना चाहते हैं, बाबा के नाम को मिटाना चाहते हैं। अभी जो राज्यों में असम्बली का छाना सुना होगा, बुरी तरह से राज्य होगा, बिहार में भी बंगाल में चारों तरफ और भी जो चुनाव होने वाला है असम्बली का, उसमें उनका सफाया जाएगा। बाबा बैरनाथ बासुनाथ जी से प्रार्थना हमने किया, ताकत काफी ताकत है, उसको कोई रास्ता इनको नहीं बचाएगा। उनको हनुमान जी का नाम, महावीर जी का नाम लेते हैं। कर्नाटक में सत्यावती भाषण शुरू करते प्रधानमंत्री बजरंग बली जी का है, बजरंग बली को ये चलने का काम किए। यदि बजरंग बली ऐसा गद्दा मारे ये लोग साफ हो गए वहाँ, और फिर उठने वाले नहीं है। हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग, हम लोग निस्वार्थ सभी लोगों को दुख दर्द सब खत्म भगवान करें, तकलीफ खत्म करें, उसमें हम लोग प्रार्थना करते हैं। यही सब पटना में से सिंगापुर से प्लान करा था, और सबसे बड़ा डॉक्टर थे बाबा बैरनाथ, सबसे बड़ा डॉक्टर था। बाकी और कुछ शरीर में होगा तो बाबा बैरनाथ बुलाए हैं, बिना बुलाए कोई नहीं।